भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में जारी सियासी उठापटक का दौर थमता दिख रहा है। 51 दिन के बाद रविवार को रानिल विक्रमसिंघे की देश के प्रधानमंत्री पद पर फिर से वापसी हुई। राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे सांसद हर्ष डिसिल्वा ने विक्रमसिंघे के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की तस्वीर ट्वीट की। रानिल विक्रमसिंघे को यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने कहा कि वो राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जिन्हें उनकी सरकार के खिलाफ कुछ समूहों ने गुमराह किया था। वहीं यूएनपी के महासचिव सांसद अकीला विराज करिया बासम ने कहा कि नए मंत्रिमंडल का गठन 2 दिन के भीतर किया जाएगा। अखबार कोलंबो पेज के मुताबिक नए मंत्रिमंडल को सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के 6 सांसदों समेत कुल 30 सदस्य होंगे। इसके पहले शनिवार को विवादों में घिरे महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को अवैधानिक ठहराए जाने के बाद इस्तीफा दिया था।